केदारकाधीश, जय काल भैरव, जय मर्ग। तो आज टॉपिक है उनकी दिल की बातें। ओके, मैं एक दिन पहले रीडिंग डाल रहा हूँ इसलिए भी आज की उनकी वर्ड मैंने स्किप किया, बट इट इज़ ऑल अबाउट उनके दिल की बातें एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, तो हम रीडिंग करने वाले हैं 1 दिसंबर यानी कि गुरुवार के लिए। ठीक है, एंड हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये मूनोलॉजी, सेकेंड वी गॉट द लाइफ नेविगेटर, एंड थर्ड ये है बड़ा सा टैरो। ठीक है, ये मेरे पहले टैरो डेक की मुझे याद दिलाता है जो कि था आइडोवेट टैरो, लेकिन अब ये है फेरीडल टैरो। सो काफ़ी इम्प्रेसिंग है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम करते हैं मैनिफेस्टेशन की, भी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ गाइडेंस मिले एंड गाइडेंस ऐसे मिले कि जो हम फॉलो कर पाए। ठीक है, भाई जो मैं रीडिंग करता हूँ वो सबके लिए होता है, तो कई बार आपको लग सकता है कि भाई ये तो रीडिंग क्या है। यस, डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स या फिर ज़्यादातर पॉइंट्स रेजोनेट हो सकते हैं, जब होते हैं डू अप्रिशिएट दैट। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है ना कि हमें बहुत कुछ सीखना होता है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सीखेंगे, बहुत जगह है आपको अपने फ्रेंड से कुछ सीखने को मिला, यू नो नेचर से कुछ सीखने को मिला। सो जब ऐसा कुछ होता है अप्रिशिएट दैट दैट मोमेंट, उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स, पहला ये मूनोलॉजी, सेकंड वी गॉट द लाइफ नेविगेटर, एंड थर्ड है ये टैरो। तो सबसे पहले लेते हैं टैरो एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है बहुत ही बड़े साइज के कार्ड से। ठीक है, चलो चलते हैं हम 5 कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स तो आ गए, ये आ गया 3रा कार्ड, ये आ गया 4था और ये 5वां कार्ड। ठीक है, सो वी गॉट द 5 कार्ड्स ओवर हियर, देखते हैं सारे स्ट्रेट हैं क्या। ठीक है, ओके, ये रिवर्स था तो हमने स्ट्रेट कर लिया, नाउ दे आर ऑल स्ट्रेट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो जो पहला कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, ये है एम्प्रेस का कार्ड, द मदर गूस। ओके, आई होप यू कुड सी दैट नाउ। सो मदर गूस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एंड अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इट इज़ अबाउट द एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पर ये पर्सन जो है वो बहुत ही लाइट हार्टेड फील कर रहा है। ठीक है, लाइट हार्टेड एंड कहीं ना कहीं पे भी जो मुझे चाहिए वो सब तो मिल चुका है और क्या चाहिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं पे बहुत खुश हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। ठीक है, इसी से वो काफ़ी खुश हैं एंड काफ़ी सही भी फील कर रहा है कि जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए वो उसके पास है। जब हम कहते हैं कि ये एम्प्रेस है, यानी कि कहीं ना कहीं पर अंडरस्टैंडिंग ऐसे कि ये अप्रिशिएट कर रहा है आपको। ठीक है, आप चाहे बहुत खूबसूरत हो या फिर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो, यू नो आपको मे बी बहुत ज़्यादा आप पढ़ाकू हो, वट एवर, इस पर्सन को आपकी ये क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। यू नो बाकी कोई अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन ये वो क्वालिटीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, इसको बहुत खुशी है कि ये आपके ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। That's a wonderful thing to see. Next card है वो है 5 of Hearts, यानी कि भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। ठीक है, अगर इसको देखें तो अंडरस्टैंडिंग क्या मिलती है, प्योर अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं पर इसको लग रहा है कि भाई क्या मिस हो रहा है फिर, है ना, सब कुछ तो है। मिसिंग ये हो रहा है कि शायद आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो या तो थोड़ा सा लैगी हो रहा है, या तो उनको थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है किसी ना किसी वजह से, या फिर जो आपके हिसाब से रोमांस की जो लेवल होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंटेन नहीं है। बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कहीं ना कहीं पर इनका दिल नहीं लग रहा है, या फिर ऑफिस वर्क बहुत ही हो गया है, या फिर बॉस ने ज़्यादा किसी ने कुछ कहा, तो चीज़ें जो है वो दिल को अल्टीमेटली अफेक्ट करती हैं। एंड वही बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे पर्सन आपको वही कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर इसने ध्यान देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यू नो, सो 5 of Hearts में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन अंडरस्टैंड करे कि कई बार लिमिटेशंस होती हैं। ठीक, जैसे कि मान लो आपका दिन कोई ख़राब गया, जैसे कल का दिन ही देखो, आपका दिन ख़राब गया, यू नो ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन थोड़ी सी बहस हो गई, आपका जो बेस्ट फ्रेंड था वो भी आपसे भी बात नहीं कर रहा है, थोड़ा सा गुस्से में है। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें नहीं लगता कि हम क्या करें, सो दैट इज़ मैनेजेबल। यू नो, तो बस इस पर्सन को ये अंडरस्टैंड करना है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इनके साथ हो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है फिलहाल। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द 3 Little Pigs, यानी कि भाई यहाँ पे जजमेंट है। एंड अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही अर्ली जजमेंट के ऊपर यू नो पहुँच रहा है कि क्या ये अपने एफर्ट्स नहीं कर रहा है, या फिर क्या
आपके हिसाब से इसके एफर्ट्स कम हो रहे हैं? मेरे हिसाब से आप काफ़ी खुश भी हो सकते हो इनके साथ, और जिस रिश्ते में थोड़े से इश्यूज हैं या फिर थोड़ी सी परेशानियां हैं, आपके हिसाब से इस पर्सन ने और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ से कहा, आपको जो लगता है वो आपका अपना सिचुएशन आप यहाँ पे टैली कर सकते हो। देखो भाई, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जजमेंट, जैसे कि अगर हम कहें कि भाई किसी को घर में पानी भरना है, ठीक है, टंकी फुल हो गई फिर भी अगर वो पानी भर रहा है तो क्या फ़ायदा होगा? नहीं होगा। और जहाँ पे एक टंकी नहीं हुई है, नहीं भरी हुई है, वहाँ पे वो पानी नहीं भर रहा है। तो जजमेंट ऐसा है कि अगर आप सही तरीके से सही काम करें सही हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, या फिर जो नहीं है उसके पीछे अगर आप दौड़े तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है भाई फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज एंड माई कैरिस करिंग टू बी, ओके, पता नहीं यहाँ पे आएगी नहीं। तो ये भाई फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, एंड दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये जो कार्ड है हम बहुत ही खूबसूरत कार्ड कहते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द मैरिज। रिश्ते के लिए इससे बड़ा और अच्छा कार्ड हो ही नहीं सकता। अगर हम इसको देखें तो भाई क्या इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ सही हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं इसको डर है मन में कि कभी भी कुछ गलत ना हो, और अगर थोड़ा सा गलत हुआ है मे बी इनके गुस्से की वजह से, या फिर इसने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, जैसे कि इन्होंने आपको कहा कि भाई मैं घर में हूँ और बाहर आपको ये सड़क पे दिखे, तो आपके मन में आता है कि किससे मिलने के लिए आ गए, मुझसे झूठ क्यों बोला, तो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कब बन जाती है हम खुद नहीं जानते। तो ऐसे में फोर ऑफ वांड्स बहुत हेल्प करता है। इट इज़ ऑल अबाउट दी कमिटमेंट, एंड मोर देन दैट यहाँ पे आता है प्योर लव। तो जिस पल इस पर्सन को एहसास हो जाता है कि भाई प्यार है, प्यार था, और अगर प्यार रहता है तो बहुत ही सही बात है, तो मैं भी ये चाहता है कि आप उसका एक परमानेंट हिस्सा बन जाए, या फिर आपसे बहुत सी बातें शेयर करना चाहते हैं, जिनका भी शायद रिश्ता इतना सही नहीं चल रहा है, वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये पर्सन जो है वो एटलीस्ट विद सिंसियरिटी आपके सामने आपको देखने को मिल सकता है। वो तो हम बात कर रहे थे फिर एस ऑफ हार्ट्स की, दैट्स ऑल अबाउट दी कैसोस्कोपी ऑफ पाइसेस, ओके, वर्ड साइन यहाँ पे आ चुका है अगेन। एंड अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि इट इज़ ऑल अबाउट द लव, सो वी नीड टू अप्रिशिएट दिस थिंग। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि रोमांस खिलखिलाए वापस, यानी कि अगर आप दोनों के बीच दूरियाँ आ चुकी हैं तो चाहते हैं कि दूरियाँ मिट जाएँ। अगर ये आपसे दूर चले गए किसी ना किसी वजह से तो वापस आना चाहते हैं, अगर फॉरेन भी गए हैं तो वहाँ से भी वापस आने के चांसेस तो काफ़ी बढ़ सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये किसके अभी कनेक्शन में है, कौन से फ्रेंड है इसके, ये फ्रेंड से क्या बातें करते हैं, फैमिली क्या बातें करती है, तो ये सारी बातें भी यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है एट ऑफ क्रिस्टल्स, एंड दैट्स अबाउट द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन फिलहाल जो बिलीव कर रहा है कि इसे हार्डवर्क करते ही रहना है, एंड इसमें ही इसको मतलब हम कहते हैं ना कि खुशी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये आपके साथ काफ़ी खुश भी रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर यहाँ पे इसका करियर ओरिएंटेड माइंड भी है। आपने ऐसे कई सारे गाइज या गर्ल्स देखेंगे कि जो काफ़ी अच्छे होते हैं, स्वभाव काफ़ी अच्छा है, लेकिन करियर ओरिएंटेड होता है, तो वो जल्दी नहीं चाहते कि वो शादी करे, या फिर कई बार वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है, लेट देम हैव देयर ओन टाइम, जब उनका मन बदल लेगा या फिर मन बनेगा तो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, द लाइफ नेविगेटर, चुनते हैं तीन कार्ड्स, हियर वी गो, वन, देन वी गॉट टू, एंड देन वी गॉट थ्री। चलो तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड जो पहला कार्ड है वो है यू हैव गॉट टाइम, ठीक है, यू हैव गॉट टाइम एंड इंटरनल एंड इंटरनल नाउ इन फैक्ट। तो यहाँ पे रश करने की ज़रूरत नहीं, इस पर्सन को समय मिल चुका है, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसको समय दे रही है। अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा करते तो ये उसको समय दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पे इसका काल चक्र जो है वो थोड़ा सा धीमा हो चुका है, शायद किसी वजह के लिए, मे बी वो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपका जो भी इशूज़ हैं वो ऐसे ही बने रहे, तो शायद जल्दी ये इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है स्टे प्रेजेंट, ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम पास्ट में जीते हैं, पास में जीना मतलब कि भाई जो भी चीज़ें हुई है पास में, या फिर कुछ कनेक्शन जो हम भूल नहीं सकते, या फिर कुछ इश्यूज की किसी ने किसी को डांट दिया, कुछ हो गया, भाई जिंदगी में मोमेंट्स आते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन हमें उनको साथ लेके हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपने कोई अच्छा फोटो खींचा और आपने उसकी प्रिंट निकाली तो आप उसे एल्बम में रखते हैं, एंड जब कभी याद आ गई मान लो दो तीन सालों में तो एल्बम निकाला और देख लिया, है ना। तो ये एक मेमोरी है जो प्रिजर्व हो चुकी है, डजंट मीन आप उस मेमोरी को हमेशा कैरी करोगे। तो यही बात उनके
के लिए हैं कि हमेशा प्रेजेंट में रहे तो सब कुछ सही हो जाएगा। एंड देखते हैं फाइनल कार्ड जो कि है भी हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस जो है वो मानने के ऊपर है। मेरे हिसाब से इस पर्सन के पास अभी एक्चुअली हैप्पीनेस है, लेकिन ये पर्सन बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहा है जिसमें आप इसकी हेल्प कर सकते हो। एंड अब देखते हैं मूनोलॉजी, यहाँ से चुनते हैं हम सिर्फ दो कार्ड्स। हियर वी गो, ये आ गया फर्स्ट एंड ये आ गया सेकंड। ठीक है, दो कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला है वो है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। एंड सेकंड जो कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जो पास्ट यहाँ पे आ गया था वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई इस पर्सन के लिए आप और आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं। सो इस पर्सन को जो डर सता रहा है उसके साथ ठहरने की ज़रूरत नहीं है, डर को निकाल फेंकने की ज़रूरत है। और सेकंड जो कार्ड है वो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, भाई अपने भूतकाल को अपने वर्तमान में आने की कोशिश मत करने देना। भूतकाल भूतकाल है, तो जो भी हुआ था भूतकाल में इस पर्सन को भूल जाना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन द प्रेजेंट, अगर आप दोनों काफ़ी दिनों बाद मिल भी रहे हो तो आपको प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या फिलहाल आपका मन वही कर रहा है या फिर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है ये आपको पूछने चाहिए। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।